क्या आसिम के भाई उमर और टीवी एक्ट्रेस सोनल वेंगुरलेकर में फिर छिड़ी जंग। दोनों ने एक बार फिर लगाए एक दूसरे पर झूठ बोलने के आरोप। क्या उमर रियाज सोनल को कर रहे हैं स्टॉक। क्या आसिम को बदनाम करने के लिए सोनल ने की साजिश। आसिम रियाज के भाई उमर रियाज डेटिंग को लेकर बयान देने के बाद कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। टीवी एक्ट्रेस सोनल वेंगुरलेकर ने उमर पर उन्हें इंस्टाग्राम पर स्टॉक करने का आरोप लगाया है। बिग बॉस सीजन 13 के फेमस कंटेस्टेंट आसिम रियाज के भाई उमर रियाज डेटिंग के बयान के बाद कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। दरअसल टीवी एक्ट्रेस सोनल वेंगुरलेकर ने उमर पर उन्हें इंस्टाग्राम पर स्टॉक करने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उमर रियाज डेटिंग की खबरों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल उमर रियाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनल संग अफेयर के सवाल पर नेगेटिव जवाब दिया था। उमर ने कहा था, हम मिलते थे, हैंग आउट करते थे, लेकिन कभी डेट नहीं किया। मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं था। इससे ज्यादा और कम कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी सोनल या उसकी दोस्त के पास नहीं गया। जैसा कि वो कह रही है, वो मुझ पर जितने भी आरोप लगा रही है वो सब बकवास है। कम ऑन, आप मेरे पास आते हैं और मुझे नंबर मांगते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपके साथ फेम पाने के लिए था। अब उमर के बाद सोनल ने भी अफेयर की बातों को लेकर बात की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनल ने उमर रियाज संग डेटिंग की खबरों को सच बताया है। उन्होंने कहा कि उमर के साथ उनका अफेयर था। सोनल ने कहा, वो झूठ बोल रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं नहीं समझ सकती। वो बोल रहा है कि मैं और मेरी दोस्त ने उसे उसका नंबर मांगा था। सॉरी, लेकिन उसे मेरा नंबर चाहिए था और जब मैंने मना कर दिया तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे स्टॉक करने लगा था। उमर द्वारा सोनल पर 8 महीने तक बेरोजगार रहने की बात पर एक्ट्रेस ने कहा, घर पर रहना और 8 महीनों तक कोई काम नहीं करना हम एक्ट्रेस के लिए कॉमन बात है। मैं 1 साल के लिए काम करती हूँ और 3 साल तक की कमाई कर लेती हूँ, इसलिए मैं आराम से घर पर बैठ सकती हूँ और अच्छे काम का इंतजार कर सकती हूँ और यही मैंने किया। आपको क्या लगता है कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी सारी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे टेली मसाला।